हिमाचल प्रदेश के स्वार घाट में देर रात अज्ञात लोगों ने बीडीसी मेंबर पर जानलेवा हमला करने और ढाबा संचालक के साथ मारपीट करने के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में विकासखंड स्वारघाट की ग्राम पंचायत कुटेहला और मंझेड़ के बीडीसी सदस्य रंगी राम ठाकुर पर गुरुवार देर रात स्वारघाट से घर जाते समय अज्ञात लोगों ने कार रोककर हमला कर दिया और पिस्तौल तान दी। हालांकि इसी दौरान पीछे से अन्य कार को आता देख अज्ञात हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। रंगी राम ने पुलिस थाना स्वारघाट में इसकी सूचना दी और पुलिस ने कई जगह दबिश दी और हमलावरों की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि रंगी राम बीडीसी सदस्य होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है और वो गले में सोने की चेन, हाथों में सोने की अंगूठियां पहने रखते हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर लूटपाट के इरादे से आए थे या रंगी राम को जान से मारने के इरादे से आए थे। काम से स्वारघाट आया था और जैसे ही मैं शाम को घर जा रहा था तो रास्ते में जो मंझेड़ मतनो रोड है इसके ऊपर कुछ अज्ञात बंदों ने मुझे गाड़ी को हाथ दिया और मैंने समझा कि वो कहीं हमारे नीचे जाने वाले आदमी हैं, तो मैंने ये सोचकर गाड़ी रोकी और उन बंदों ने मेरे ऊपर हमला किया और एक पिस्टल रिवॉल्वर जैसी मुझे दिखाकर उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिसमें मैं दहशत में आया और उन्होंने काफ़ी ज़ोर जबरदस्ती कर मेरे साथ काफ़ी देर हाथापाई करते रहे और मैं चलाता रहा। और इसी तरह इसी दिन नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर नालियां स्थान पर एक ढाबा संचालक रामलाल के साथ भी अज्ञात लोगों ने मारपीट की है, जिसकी शिकायत पुलिस थाना स्वारघाट में दी गई है। थाना प्रभारी पुलिस थाना स्वारघाट बलवीर सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।